नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है रविंदर। दोस्तों आज वीडियो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने भी सैमसंग का कोई सा भी मॉडल डीएमआई फाइनेंस से लिया है और दोस्तों यदि आप उसकी मंथ की किस्त पे नहीं करते हो तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आज वीडियो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो सबसे पहली समस्या आएगी, यदि आप डीएमआई की लोन पेमेंट नहीं करते हो, किस्त नहीं भरते हो, तो भाई आपका जो भी मोबाइल होगा सैमसंग का वो लॉक हो जाएगा। नहीं आप उसको कॉल कर सकते, नहीं व्हाट्सएप चला सकते, नहीं यूट्यूब ना फेसबुक, आपका मोबाइल फोन टोटली लॉक कर दिया जाएगा यदि आप डीएमआई की लोन पेमेंट नहीं करते हो। चलिए दोस्तों ये तो हो गया पहला, यानी आपने पेमेंट नहीं की, आपका मोबाइल फोन लॉक हो गया। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, दूसरी समस्या आपको क्या देखने को मिलेगी, यदि ये लंबे समय तक चलता रहा और आपने जो है उनकी लोन पेमेंट करी ही नहीं। दोस्तों पूरा यानी कि 8 महीने की किस्त थी, आपने 8 महीने गुजार दिए एक दो किस्त भरने के बाद, तो कंपनी क्या करती है कि आपका जो भी क्रेडिट स्कोर होता है उसको खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, मिटा देती है। यदि आप कहीं पर भी भविष्य में जाकर मान लीजिए आप गाड़ी लोन पर लेना चाहते हैं या फ्रिज लोन पर लेना चाहते हैं, A to Z कुछ भी यदि आप लोन पर लेने जाओगे तो वो वहां पर जो है आप जब अपने डॉक्यूमेंट उन्हें दोगे लोन लेने के लिए और अप्लाई किया जाएगा तो वहां पर वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपने जो है पहले से ही एक घपला करके रखा है, डीएमआई का लोन पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे में जो है डीएमआई वाले आपके जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है उसको खराब कर देते हैं, जिसके वजह से आपको कुछ भी भविष्य में लोन पर नहीं मिलेगा। ये होगा दूसरा। अब बताते हैं तीसरा तरीका क्या है, जब आप डीएमआई से फाइनेंस पर मोबाइल लेते हैं सैमसंग कंपनी का, तो वहां पर डिजिटली या पेपर वर्क के थ्रू आपसे कई कई जगह पर सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो वहां पर एक ये होता है, यदि आप जो है मोबाइल फोन ले लेते हैं और अपनी किस्त नहीं भरते हैं तो ऐसे में जो है डीएमआई कंपनी जो है आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। आपके बाकायदा हस्ताक्षर जो भी आपके सिग्नेचर है हस्ताक्षर है वहां पर आपने करे होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोबाइल फोन लेने की जल्दी इतनी होती है नहीं, जो एजेंट आपको मोबाइल फोन देते हैं ना ही वो आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये तीन समस्या देखने को मिलती है डीएमआई से यदि आप लोन यानी किसी भी कंपनी से यदि आप लोन लेते हैं तो ये समस्या आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों यदि आपने भी डीएमआई फाइनेंस से सैमसंग का मोबाइल परचेज करा है तो दोस्तों आप कस्टमर केयर से बात कीजिए और उनसे बात करके अपनी पेमेंट का सेटलमेंट कराइए, कम हो या जितना भी वो कम कर सकें, यानी जो भी आपके ऊपर उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लगाए आप उनसे बोलिए कि मैं बीमार हो गया था, पिछले कई महीने से बीमार था या आपकी जॉब चली गई थी, आपका पैसे के मामले में हाथ तंग था, तो आप उनसे बात कीजिए और उनसे बोलिए कि सर हम अपना पूरा पेमेंट करना चाहते हैं और दोस्तों वो आपको जो है जो भी आपके ऊपर लगे चार्ज होंगे उनको जो है या तो खत्म ही कर देंगे या ना के बराबर रखेंगे और आप अपनी पूरी पेमेंट के साथ अपना उनको पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको भविष्य में इस प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों चलिए मैं लेता हूं इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।